दोस्तों, तो इस वीडियो में कवर करेंगे सामान्य अध्ययन के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। और इसी के साथ साथ दोस्तों, आप प्लेलिस्ट ऑप्शन के ऑप्शन में जाके रेलवे, आरपीएफ, रेलवे के सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट के क्वेश्चंस भी देख सकते हैं और वीडियो भी देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप प्रत्येक टॉपिक से रिलेटेड भी आपको यदि वीडियो देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट ऑप्शन पर भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टडी हब के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। इसी के साथ साथ दोस्तों, आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। या तो आपको दोस्तों स्टडी हब सर्च करना होगा या फिर आप प्रमोद राणा यानी PRAMODRANA ये सर्च कर सकते हैं। वहां पर दोस्तों किस तरह पढ़ाया जाएगा ये मैं आपको बता देता हूँ। हिस्ट्री में देखिए दोस्तों, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता ट्रिक के माध्यम से वैदिक सभ्यता से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनके लिए मैंने वीडियोज डाल दिया है और दिन ब दिन भी मैं वीडियोज डालता रहूंगा। इसी के साथ साथ एक नया कोर्स चालू किया है जिसमें आपको हिंदी की सभी ट्रिकें और हिंदी के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनके लिए भी वीडियोस बनाए जाएंगे। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां जाके आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जो ये दोस्तों यूनेस्को है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? पेरिस में हो जाएगा, यानी फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस, और पेरिस में इसका मुख्यालय हो जाएगा। और यूनेस्को की दोस्तों बात करें तो यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 यानी 16 नवंबर 1945 को हुई थी। और यूनेस्को की दोस्तों बात करें तो प्रेजेंट में अध्यक्ष कौन है? आंद्रे अजोले हो जाएंगे। और यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो जो विश्व व्यापार संगठन है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में हुई थी। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, इसको इंग्लिश में कहते हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? जेनेवा स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? तो जो ये शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति है ये किसकी? प्रोवेल की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? तो एनसीईआरटी की स्थापना कब? 1961 में हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? तो जो ये तानसेन था किसके दरबार में? अकबर के दरबार में हो जाएगा। और तानसेन का मूल नाम की दोस्तों बात करें तो रामातनु पांडे हो जाएगा। और तानसेन कहाँ के हैं? तो तानसेन के जैसे राज्य का नाम आ जाए तो आपको मध्य प्रदेश लगाना है। मध्य प्रदेश में क्वेश्चन आ जाए किस जिले में है? तो ग्वालियर में लगाना है। और गाँव का नाम आ जाए तो ग्वालियर के बेहट में तानसेन की समाधि भी है, इस जानकारी को आप अच्छे से याद रखें। और अकबर की दोस्तों बात करें तो अकबर का तो आप जानते हो, अकबर के समय में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था किस किस के बीच? बैरम खां के बीच, बैरम खां और हेमू विक्रमादित्य के बीच हुआ था, ये भी आप याद रखें। और पानीपत का पहला युद्ध तो आप जानते हैं 1526 में हुआ था, बाबर ने किसको? इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन रहा था? बैरम खां रहा था। कब से कब तक रहा था ये? 1556 से 1560 तक रहा था, इस जानकारी को भी आप अच्छे से याद रखें। और बैरम खां की हत्या किसने की थी बाद में? तो बैरम खां की हत्या किसने की थी? अफगान मुबारक ने की थी, ये भी जानकारी आप अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो जो पंडित रविशंकर है उनका संबंध किस वाद्य यंत्र से हो जाएगा? सितार से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? तो जो ये पेनल्टी कॉर्नर है इसका संबंध किससे हो जाएगा? हॉकी से हो जाएगा। पेनल्टी कॉर्नर आप जानते हैं जैसे पेनल्टी वगैरह आ जाए तो उसमें वो सारे खिलाड़ी इकट्ठे हो जाते हैं और फिर गोल कर देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? पेनल्टी कॉर्नर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या होता है? तो जो उत्तरी भारत होता है उसमें सर्दियों में वर्षा का कारण क्या होता है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो क्रिकेट से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस की मुद्रा कौन सी है? तो रूस की मुद्रा कौन सी हो जाएगी? रूबल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध जो बंदरगाह है ये कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा हो जाएगा? लोथल हो जाएगा। लोथल कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है और भोगवा नदी के किनारे पड़ता है। यदि आपने हिस्ट्री के वीडियो नहीं देखे तो आप अनअकैडमी पे जाके देख सकते हैं, आपको सारी जानकारी अच्छे से दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन हो जाएंगे? ऋषभदेव हो जाएंगे।
ऋषभदेव हो जाएंगे, जिनका चिन्ह क्या था, सांड था, और इन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था, लुम्बिनी हुआ था, जो कि कहां पर है, नेपाल में है। इस जानकारी को आप अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर हैं? कौन से तीर्थंकर थे? तो भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से 24वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन हो जाएंगी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अब देखिए कटक किस नदी पर बसा है? तो जो ये कटक है ये किस नदी पर बसा है, महानदी पर बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? तो बाइनरी भाषा में दो ही अक्षर होते हैं, एक जीरो एक वन होता है। वन का मतलब ऑन होता है, जीरो का मतलब ऑफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैन का विस्तार क्या होगा? तो लैन का क्या हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। यानी आपके घर में कोई कंप्यूटर वगैरह जुड़े हैं, या फिर कोई ऑफिस में जुड़े हैं, या फिर कोई बिल्डिंग में जुड़े हैं, या फिर वाईफाई के थ्रू जुड़े हैं, तो ये किस नेटवर्क के थ्रू जुड़े हैं, लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू जुड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, कुशीनगर में हुई थी। इस जानकारी को भी आप अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गोवा पुर्तगाली शासन से कब आजाद हुआ था? तो गोवा जो था पुर्तगालियों ने भारत में दे दिया था, यानी पुर्तगालियों से कब आजाद हुआ था, 1961 में आजाद हुआ था। और इसी के साथ साथ 1987 में इसे भारत का 25वां राज्य बना दिया गया। ये भी आप जानकारी को अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बक्सर का युद्ध कब हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया था? तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 में हुआ था। इसी के साथ साथ दोस्तों आप याद रखें, 1757 में, इससे कुछ पहले 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसमें बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला और अंग्रेजों की सेना के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें जो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था वो हारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? तो जो ये रेगुलेटिंग एक्ट था वो कब लागू हुआ था, 1773 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहां पर भेज दिया था? तो उसको कहां पर भेज दिया था, बर्मा म्यांमार में भेज दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अब देखिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। और 9 जनवरी के दिन आप जानते हो प्रवासी भारतीय दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है, इसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है कि गांधी जी प्रवासी थे और भारत में लौट गए थे। तो प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी हो जाएगी, आलम आरा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा हो जाएगा, 7वां स्थान हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से 6 ऐसे कौन से बड़े देश हैं जो भारत से भी बड़े हैं। तो ट्रिक दोस्तों बहुत आसान है, रुक चीन अब आया भारत, यानी चीन रुक जा अभी भारत आ रहा है। तो देखिए रूस से क्या हो जाएगा, रूस हो जाएगा, जो कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश है। दूसरे नंबर पे कौन सा हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा। तीसरे नंबर पे चीन हो जाएगा। चौथे नंबर पे कौन सा हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। 5वें नंबर पे कौन सा हो जाएगा, बा से ब्राजील हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा 6वें नंबर पे, और 7वें नंबर पे भारत हो जाएगा। आराम से रुक चीन अब आया भारत है। तो रसिया हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा, चीन हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा, ब्राजील हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा और भारत हो जाएगा। इसको आप आराम से याद हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, 15,200 किलोमीटर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना हो जाएगा, 2933 किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब अपनाया था, 22 जुलाई 1947, यानी 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया था? तो जनगण मन को जो संविधान सभा थी उसने राष्ट्रगान कब घोषित किया, 24 जनवरी 1950, यानी 24 जनवरी 1950 को घोषित किया था। ये भी आप जानकारी अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ पर है? तो जो ये खुदा बख्श पुस्तकालय वो कहाँ पर हो जाएगा, पटना में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो किसने की थी? विलियम जॉन्स ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो ये कौन सा संविधान संशोधन था? 86वां संविधान संशोधन हो जाएगा, जिसमें आर्टिकल कौन सा जोड़ा गया? आर्टिकल 21A जोड़ा गया। याद रखना, आर्टिकल 21A में यही बात हुई है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना अनिवार्य है, और एक 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया था। तो 11वां मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत भी ये कहा गया कि आपका कर्तव्य है कि आप 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को तो शिक्षा अनिवार्य रूप से ही दें। और अब आप कमेंट के माध्यम से जल्दी से बताइए, मौलिक कर्तव्य, जो मौलिक कर्तव्य हैं वो भारत के भारत में कब जोड़े गए, यानी कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो कौन सा हो जाएगा? संपत्ति का अधिकार हो जाएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, आंतरिक अशांति शब्द जो था वो आंतरिक अशांति शब्द हटा के सशस्त्र विद्रोह शब्द भी 44वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। तो ये दोस्तों, ये क्यों बढ़ाया, मतलब क्यों किया गया था, जो आंतरिक अशांति शब्द है उसको हटा के सशस्त्र विद्रोह क्यों किया गया? क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, पहले तो मैं बता दूं, भारत में इमरजेंसी कितने 3 बार लगी है। जो तीसरी बार जो इमरजेंसी लगी थी वो 1975 से 1977 तक लगी थी। ये इमरजेंसी इसलिए लगी थी क्योंकि जो इंदिरा गांधी की सरकार थी उन्होंने ये कह दिया था कि आंतरिक, यानी भारत में आंतरिक रूप से अशांति फैल रही है, यानी बेवजह ही दोस्तों इमरजेंसी लगा दी कि अशांति शब्द का नाम बोल के, और अपना कार्यकाल लिया। ऐसे ही फिर जनता पार्टी की सरकार आई, जनता पार्टी की सरकार ने कही कि ये तो गलत है, ऐसे तो कोई भी संविधान का दुरुपयोग कर रहा है, तो इसलिए आंतरिक अशांति शब्द को हटा के सशस्त्र विद्रोह। तो अब ऐसा कहा गया कि यदि शस्त्र के साथ कोई विद्रोह कर रहा होगा पूरे भारत में तो ही इमरजेंसी लगाई जाएगी। तो मैं आशा करूंगा आपको ये जानकारी समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, तो कर्क रेखा कहलाती है, और यदि इसका उल्टा हो जाए तो क्या कहलाएगी? मकर रेखा कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब? 7 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पाकिस्तान सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, तो किससे? रेडक्लिफ रेखा के नाम से पुकारी जाती है। क्वेश्चन दोस्तों, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन हो जाए, कौन सा हो जाएगा? बैरन द्वीप में, अंडमान निकोबार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं? तो जम्मू कश्मीर की हो जाएगी, और आप कमेंट के माध्यम से बताइए उन दोनों राजधानियों का नाम क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? तो अमेरिका ने कौन सा राज्य खरीदा था? अलास्का खरीदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? और विकलांग की जगह दोस्तों यहाँ होना चाहिए दिव्यांग दिवस। विश्व दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब है? 3 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हॉपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो जो ये हॉपमैन कप है ये किस खेल से? टेनिस से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कौन हो जाएगा? चंद्रशेखर राव हो जाएगा। और जो ये तेलंगाना राज्य, ये कब इसकी स्थापना हुई थी? 2 जून 2014 को हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तेलंगाना से रिलेटेड, तो दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको आप अच्छे से याद रखें। और पीवी सिंधु कहाँ की है? तेलंगाना की ही है, इस जानकारी को भी आप अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी हो जाएगी? मन्नार की खाड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? गुरु शिखर हो जाएगी। अब ये आ जाएगी, गुरु शिखर राजस्थान के कौन से जिले में पड़ता है? पहले तो बता दूं मैं, गुरु शिखर राजस्थान में पड़ता है, और राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? गुरु शिखर हो जाएगी, और ये सिरोही जिले में पड़ता है, ये भी आप अच्छे से जानकारी को याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? तो किसकी हो जाएगी? चीन की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यांमार जो बर्मा है उसकी मुद्रा कौन सी है? तो म्यांमार बर्मा की मुद्रा क्या हो जाएगी? ख्यात हो जाएगी, ख्यात हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौसम संबंधी परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है,
तो मौसम संबंधी जो परिवर्तन होते हैं वो क्षोभ मंडल में होते हैं, जैसे वो बादलों का गरजना, जितने भी परिवर्तन है मौसम संबंधी वो किसमें, क्षोभ मंडल में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा हो जाएगा, दक्षिणी चीन सागर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो ये क्या कहलाती है, महाभिनिष्क्रमण हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो भारत के किस राज्य की सीमा मिलती है, सिक्किम की मिलती है, ये भी आप अच्छे से याद रखना। और दोस्तों इसी के साथ साथ मैं बता दूं, 1975 में सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया था, 1974 में तो जोड़ा गया था और 1975 में सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया था, ये भी आप याद रखना भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो किसकी हो जाएगी, कनाडा की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा जो हो जाएगा वो किस राज्य में, सिक्किम में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो 1912 में जो अल हिलाल समाचार पत्र है किसने, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने शुरू किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों इसी के साथ साथ ये मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपके सामने रखी है। इसी के साथ साथ दोस्तों आप अनअकैडमी पे फॉलो भी कर सकते हैं और वहां पर आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी और आप प्लेलिस्ट ऑप्शन पे जाके सारे वीडियोज देख सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें और नए मेहमानों से इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल का आइकन जरूर दबाएं। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।